मुंबई में वाहनों पर अलग अलग रंग के स्टिकर वाली व्यवस्था खत्म, आवाजाही के लिए ई पास की सुविधा शुरू। ऑक्सीजन संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा सप्लाई रोकने वालों को फांसी पर लटका देंगे। दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन न मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आपराधिक स्थिति है, अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उसे फांसी पर लटका देंगे। महाराष्ट्र कोरोना कर्फ्यू के दौरान नहीं मिली शराब तो पी लिया सैनिटाइजर, सीने में दर्द के बाद 7 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के यतवाल में शराब न मिलने पर 7 लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, उससे उनकी मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक सैनिटाइजर पीने के बाद कुछ ही देर बाद सभी की छाती में दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें बनी के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत मेडिकल ऑक्सीजन, उसके उपकरणों और कोरोना वैक्सीन पर 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ से इसको माफ कर दिया गया है। केंद्र के इस फैसले से अब इसके दाम कम हो जाएंगे, जिससे जनता को काफी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर के थानों में पहुंचने वाली महिलाओं को अब दरबदर नहीं भटकना होगा, इसके लिए पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। वह बिना किसी झिझक के अपनी परेशानी बता सकते हैं। महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन को अनुकूल व सुलभ बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। महिलाओं की अपनी शिकायतें बताने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डेस्क की प्रभारी महिला अधिकारी को ही बनाया गया है, ताकि महिला बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं बता सके। जम्मू कश्मीर में 18 से 45 आयु वर्ग के लिए 28 अप्रैल से कोविड वैक्सीन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। जम्मू कश्मीर में 1 मई से 18 से 45 वर्ग के बीच कोविड वैक्सीन अभियान में 65 लाख आबादी को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश के मुताबिक 28 अप्रैल से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राहुल गांधी ने चिंता जताते हुए कहा कि आने वाला वक्त हो सकता है मुश्किल। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को अभी सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन, ऑक्सीजन और अन्य हेल्थ सर्विसेज के बारे में सोचना चाहिए और जितना भी हो सके पैसा इन्हीं सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर ने देश पर हमला किया है, आने वाले वक्त में यह हालात और बुरे हो सकते हैं, इससे पहले सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। आज BSF ने पाकिस्तान के 2 ड्रोन पर फायरिंग करके उन्हें भारतीय सीमा से खदेड़ा। आपको बता दें कि सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान के 2 ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हो गए और कहीं ना कहीं ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स को भारतीय सीमा में गिराने के पाकिस्तान की नापाक इरादों को सीमा सुरक्षा बलों ने केवल 15 राउंड फायरिंग करके पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इमरान खान ने ट्वीट कर पाकिस्तान से भेजी भारत के लिए दुआएं, कहा कोरोना महामारी से मिलकर निपटना होगा। उधमपुर के जिला विकास आयुक्त इंदु चिब ने प्रशासन के निर्देशों को नहीं मानने वाले दुकानदारों की दुकानें करवाई बंद। स्वयं मौके पर पहुंचकर जिला आयुक्त ने लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों को आगाह किया।